मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं। वोटर से मिले इन रुझानों में राजस्थान में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दूसरी बार सीएम बन सकते हैं, जबकि राजस्थान में उनके समकक्ष अशोक गहलोत को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। यहां कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं मिजोरम में जेपीएम को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है। सीएम जोरामथंगा की पार्टी एमएनएफ को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि तेलंगाना में केसीआर के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों में बीजेपी को 124 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 102 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीएसपी के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है। छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों के नतीजे सामने हैं। इनमें से कांग्रेस को 39 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से सरकार बनने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 38 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का इंतजार 5 साल के लिए बढ़ सकता है। दूसरी पार्टियों की बात करें तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 46 है। राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज बरकरार रह सकता है, यानी जनता ने इस बार कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पर भरोसा जताया है। राजस्थान की 199 सीटें में बीजेपी को 104 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही कांग्रेस को 85 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 101 है। बता दें कि राजस्थान की कुल 200 सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की बात करें तो यहां जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेपीएम की सरकार बनती दिख रही है। 74 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा के नेतृत्व में जेपीएम के पक्ष में जबरदस्त लहर है। जेपीएम को कुल 40 में से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं मौजूदा सत्ताधिकारी पार्टी जोरामथंगा की एमएनपी के हिस्से में 14 सीटें जाती दिख रही हैं। 7 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरी पार्टी बनकर उभर सकती है। भगवा पार्टी बीजेपी के खाते में 1 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। यहां बहुमत का आंकड़ा 21 है। बागी नेताओं की बात करें तो राजस्थान के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी 10 से 15 सीटें ला सकते हैं, लेकिन 2018 की तरह किंग मेकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत अपने दम पर लाती दिख रही है। मिजोरम में अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर के भी स्थिति साफ दिख रही है। 40% लोगों की पसंद लाल दुहोमा है। वहीं मौजूदा सीएम जोरामथंगा को सिर्फ 17% लोगों ने बतौर अगला मुख्यमंत्री पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।